केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। खतरे के निशान पर बैठी गंगा के बीच नाव से पार कर बच्चे व शिक्षक जाते हैं विद्यालय, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। सुल्तानगंज के जगबीनाथ धाम में तीज एवं चरचंडा को लेकर हजारों महिलाएं ने किए गंगा स्नान। भागलपुर वाटर वर्कर्स यूनियन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर किया हड़ताल। पूरे शहर में गहराया जल संकट, लोग तरस रहे पानी के लिए। एक्सपीरियंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा देने को लेकर आज विद्या भारती विद्यालय में हुए ज्ञान विज्ञान मेले का आयोजन। मालदा रेल मंडल के DRM ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं व स्टेशन परिसर की साफ सफाई, रखरखाव व अन्य योजनाओं पर किया विशेष वार्ता। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में पकड़ाया बच्चा चोर 3 महिला, जहां ग्रामीणों ने बच्चा चोरी करते घर दबोचा कर दिया पुलिस के हवाले। सुल्तानगंज स्टेशन में घर से फरार हुए नाबालिग युवती को RPF ने किया बरामद। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा बैठक कर सरकार के द्वारा दी गई राशि और खर्च का लिया हिसाब। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। छात्रों ने 2.5 और छात्राओं ने 2 किलोमीटर की लगाई दौड़। श्रीराम सेना संगठन द्वारा दुमका में जिहादियों द्वारा अंकिता को आग के हवाले कर मौत के घाट उतारने को लेकर किया गया झारखंड सरकार का पुतला दहन। अब समाचार विस्तार से। खतरे के निशान पर बैठी गंगा के बीच नाव पर सवार होकर करीब सैकड़ों बच्चे और शिक्षक व शिक्षिकाएं पढ़ाई करने व कराने विद्यालय आते जाते हैं। बच्चे बाढ़ के पानी से उफनती गंगा के बीच से गुजरते डर भी नहीं लगा। पूछने पर कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बता दें कि विद्यालय भागलपुर के सबौर अंतर्गत संत नगर का है। इस विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय संत नगर के अलावे प्राथमिक विद्यालय लालूचक दियारा दोनों एक साथ चलते हैं। बच्चों को विद्यालय तक लाने और ले जाने की कवायद शिक्षक व प्रभारी को करना पड़ता है। वहीं शिक्षक संजय कुमार और प्रभारी कुमारी प्रियंका ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के चलते विद्यालय आने जाने में परेशानी हो रही है, लेकिन बच्चों का हौसला देकर हम लोग काफी खुश हैं। वहीं शिक्षकों ने ये भी बताया कि नाव से विद्यालय तक आते और जाते हैं, जिन्हें हम लोगों के संरक्षण में लाया और ले जाया जाता है। इस पर सरकार पहले से कुछ तैयारी करे तो शायद इतनी परेशानियों का सामना बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। सुल्तानगंज के जगबीनाथ धाम में तीज एवं चरचंडा को लेकर हजारों महिलाओं ने किए गंगा स्नान। सुल्तानगंज के जगबीनाथ धाम में तीज एवं चरचंडा पर्व को लेकर सुबह से ही उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के लिए बिहार झारखंड सहित अन्य जिलों के महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाओं ने बताया कि तीज एवं चरचंडा को लेकर जगबीनाथ गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, जो गंगा जल लेकर कल तीज एवं चरचंडा का पूजा करेंगे, जिससे हमारे पति की दीर्घायु की कामनाएं यह पर्व करते हैं। इसलिए खासकर महिलाएं तीज एवं चरचंडा पर्व करती हैं। भागलपुर वाटर वर्कर्स यूनियन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर किया हड़ताल। अखिल भारतीय संबंध शब्द AITCUC के तहत भागलपुर बरारी वाटर वर्कर्स यूनियन के कर्मियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर दिया, जिसमें पूरे शहर में पानी का संकट गहरा गया है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं वाटर वर्कर्स के प्रदर्शनकारी कर्मियों का कहना है कि हम लोगों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, जिसमें हम लोगों को कोर्ट का हवाला देकर सांत्वना दिया गया कि 8 सप्ताह बाद आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, लेकिन 1 साल बीतने को है, अभी तक हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई। जब तक हमारी 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। प्रदर्शनकारियों कर्मियों की 11 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से दैनिक कर्मचारी का स्थायीकरण, जिसमें कर्मी का स्थायीकरण नहीं होता है, उसे 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 देने की मांग, समान काम समान वेतन दिया जाए, जिसमें 7वें वेतन के तहत वेतन मिले। एक्सपीरियंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा देने को लेकर आज विद्या भारती विद्यालय में हुए ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन। विद्या भारती प्रत्येक वर्ष कई
अवसरों पर विद्यालय, संकुल, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराती है, ताकि विषय से संबंधित अभिरुचि बच्चों में बढ़े और बच्चे उस विषय को खेल खेल में सीखें और बच्चे वैज्ञानिक रूप से समृद्ध हो सके। इस बाबत आज आनंद राम धनधानिया सरस्वती विद्या मंदिर में ज्ञान विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने कई मॉडल प्रस्तुत किए और इसे देख पूरे विद्यालय के बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वही विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि एक्सपीरियंशियल एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा मिले, इसको लेकर आज विद्या भारती विद्यालय आनंद राम धनधानिया सरस्वती विद्या मंदिर में ज्ञान विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मालदा रेल मंडल के DRM ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। भागलपुर मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार ने आज भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया का भी जायजा लिया। इस दौरान DRM ने स्टेशन अधीक्षक राजीव शंकर के साथ कई बिंदुओं पर वार्ता की, साथ ही पूरे स्टेशन परिसर को साफ रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा सर्कुलेटिंग एरिया में भी सफाई दुरुस्त होना चाहिए, वहीं स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट को भी देखा। बताते चले कि DRM ने ये यात्रियों को बढ़ती संख्या को देखते हुए भागलपुर स्टेशन में कई कार्य योजना का प्रस्ताव भी स्टेशन अधीक्षक के साथ साझा किया और उन्होंने स्टेशन परिसर में नवीनीकरण पर भी वार्ता की, साथ ही साथ यात्रियों को पेयजल, शौचालय, बिजली, पंखे व टिकट लेने देने में कोई परेशानी नहीं हो, साथ ही यात्रियों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो, उस पर भी वार्ता की गई। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत के जयरामपुर वार्ड नंबर 10 में सोमवार के दिन के करीब 12 बजे तीन महिला चोर गिरोह ने दिलखुश कुमार उम्र 4 साल को लेकर भाग रही थी, जिसके माता का नाम फेकनी देवी है, पति किशन मंडल बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि बच्चे के चोर तीन महिला बहला फुसलाकर हाथ में चॉकलेट एवं कुछ पैसे देकर भाग रही थी कि बच्चे की मां ने देखी कि बच्चे को लेकर कोई महिला जा रही है, तो दौड़कर बच्चे को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन तीनों महिला ने उस पर हमला कर दिया और हाथ में दांत भी काट ली। यह सब देख बच्चे की मां ने हल्ला करने लगी। हल्ला सुन ग्रामीण वहां दौड़कर आए, तीनों महिला को पकड़कर लाया गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि हम लोग मुरलीगंज प्रखंड के प्रसारी चौक पर डेरा लेकर रहते हैं और पुराना साड़ी मांगते हैं। वहीं पकड़ाई गई महिला ने अपना घर बलिया यूपी बता रही है। बच्चा चोरी होने की घटना सुनते ही आसपास के सैकड़ों लोग जमा हो गए और तत्काल प्रशासन को फोन किया गया। मुरलीगंज प्रशासन की टीम ने दलबल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर तीनों महिला को अपने कब्जे में लेकर थाना लाया। वहीं इस मामले में मुरलीगंज थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने बताया कि जांच पड़ताल कर जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। सुल्तानगंज स्टेशन में घर से फरार हुए नाबालिग युवती को RPF ने किया बरामद। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में घर से भागी एक नाबालिग युवती को RPF और GRPF ने किया बरामद, चाइल्ड लाइन को सौंपा। वहीं इस मामले में चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी रेणु गुप्ता ने बताया कि तारपुर के गनेली गांव के रहने वाली नाबालिग युवती भावना कुमारी घर से प्रताड़ित होने पर घर से फरार हो गए, जो RPF द्वारा नाबालिग युवती को बरामद करने पर सूचना मिलते ही मालदा इंटरसिटी से लेकर चाइल्डलाइन में सौंपा जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा बैठक कर सरकार के द्वारा दी गई राशि और खर्च का लिया हिसाब। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और इनके कार्यालय से जुड़े नजीर और बड़ा बाबू के साथ बैठक किया गया, जिसमें हरेक प्रखंड में सरकार की ओर से आय योजना में कितनी राशि खर्च हुई है और कितनी राशि अभी तक बची हुई है, इसका हिसाब किताब बैठक के दौरान पूछा गया। वहीं कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ सही से विवरण नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी ने ऐसे लोगों का सितंबर माह का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। छात्रों ने 2.5 और छात्राओं ने 2 किलोमीटर की लगाई दौड़। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं दौड़ मध्य विद्यालय गनोरा बाधरपुर से प्रारंभ होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर के समीप संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने 2.5 किलोमीटर जबकि छात्राओं ने
डिग्री चौक से मध्य विद्यालय मनोहरपुर तक करीब 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इस क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का मध्य विद्यालय गनोरा पाधरपुर के प्रधानाध्यापक ओज कुमार सिंह, खेल शिक्षक जितेंद्र मणि, राकेश और शिक्षक कपिल देव मंडल ने भूतनाथ चौक पर सीटी प्रतियोगिता में दौड़ लगाने वाले बालक और बालिका वर्ग से सैकड़ों बच्चों के बीच से अव्वल आने वाले टॉप 10 धावकों का चयन किया गया। श्री राम सेना संगठन द्वारा दुमका में जिहादियों द्वारा अंकिता को आग के हवाले कर मौत के घाट उतारने को लेकर किया गया झारखंड सरकार का पुतला दहन। दुमका में एक ऐसी दर्दनाक और हृदय विदारक घटना हुई है जो दिल को झकझोर देने वाली घटना है। बताते चले कि झारखंड के दुमका में पेट्रोल पंप के हमले से घायल अंकिता का इलाज के दौरान मौत के बाद पूरे शहर में उबाल आ गया है। घटना के विरोध में सैकड़ों संस्थान विरोध प्रदर्शन जता रही है। दुमका में अंकिता सिंह को मोहम्मद शाहरुख नाम का युवक पेट्रोल पंप के हमले से आग के हवाले कर मौत के घाट उतार दिया। इसी बाबत आज श्रीराम सेना संगठन भागलपुर द्वारा दुमका में जिहादियों द्वारा अंकिता सिंह को आग के हवाले कर मौत के घाट उतारने के विरोध में और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भागलपुर के स्टेशन चौक पर झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अंकिता के हत्यारे शाहरुख को फांसी दो, जस्टिस फॉर अंकिता। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रतिदिन जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदू बहनों को लक्षित करके प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। लव जिहाद के शिकार हुए बहनों की हत्या करना जिहादियों के लिए आम बात हो रही है। इसे जल्द से जल्द रोका जाए वरना हिंदू समाज इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।